शायद सभी मेडिकल कॉलेजों को बंद करना पड़े, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद बीमारी का पता लगाएगा और खुद ही आपका इलाज भी करेगा। तो समय आ गया है कि जो युवा डॉक्टर अभी तैयार हो रहे हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप लक्षणों से परे कैसे देख सकते हैं। आपको अपने भीतर की गहरी बुद्धि को काम करने की अनुमति देनी चाहिए। एंटीबायोटिक प्रतिरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आयुर्वेदिक पद्धतियां दिन ब दिन घटती जा रही हैं। तो हम आयुर्वेद और एलोपैथी का सबसे बेहतरीन मेल कैसे तैयार कर सकते हैं? आयुर्वेद और सिद्ध और प्राकृतिक चिकित्सा पश्चिम में, विशेष रूप से यूरोप में, तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से। भारत में बेशक ये चीजें मर रही हैं, क्योंकि उनकी मंजूरी के बाद ही हम इन्हें अपनाएंगे। उनकी मंजूरी के बिना हम इसे नहीं अपना सकते। पर हमें एलोपैथी और इन दूसरी भारतीय प्रणालियों के बीच के अंतर को समझना होगा। फिलहाल एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपकी ही तरह किसी मेडिकल कॉलेज में 4 साल या 5 साल के लिए जा रहा है, तो वो जो सीख रहा है वो इलाज का एक कमतर तरीका है, वो एक कमतर समझ है। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक या जो आयुर्वेद का अभ्यास करना चाहता है उसे 4 साल के कोर्स में नहीं जाना चाहिए। आपको इसमें अपना जीवन लगाना होगा, वरना यह नहीं होगा। परंपरागत रूप से वो बचपन से ही महसूस करना सीखते जड़ी बूटियों को, लोगों को, नाड़ी को और दूसरी चीजों को, यानी एक तरह का इंट्यूशन यानी सहज बोध विकसित किया जाता है, जिसमें हम शरीर में अभी नजर आ रहे लक्षणों के आधार पर इलाज नहीं करते। हम आपका टेम्परेचर देख कर ये नहीं कहते कि ये बीमारी है, हम उन लक्षणों को नहीं देखते। हम सिस्टम को कहीं ज्यादा गहराई से देखना सीखते हैं और पता लगाते हैं कि आपके सिस्टम में क्या सही है और क्या गलत। इसके लिए एक अलग स्तर की भागीदारी की जरूरत होगी। वो भागीदारी अभी मौजूद नहीं है। हम चीजों को यूं देख रहे हैं कि अगर मैं इतना करता हूं तो मुझे वो नौकरी मिलनी चाहिए या मुझे दुनिया में वो ओहदा मिलना चाहिए। ऐसे भाव हों तो ये पद्धतियां शायद बहुत अच्छे से काम ना करें। आपने ये तो सुना ही होगा कि आयुर्वेद और सिद्ध में अगर एक डॉक्टर एक दवा देता है तो वही दवा एक व्यक्ति के हाथों से मिलने पर बहुत अच्छे से काम करती है, पर किसी दूसरे के हाथों से मिलने पर ठीक से काम नहीं करती, क्योंकि जो व्यक्ति इसे देता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की दवा, क्योंकि वो दवा सिर्फ अपनी रासायनिक संरचना के आधार पर काम नहीं करती। पूरी एलोपैथिक पद्धति सिर्फ रासायनिक संरचना के आधार पर ही काम करती है। वैसे भी इस बात का खतरा है शायद सभी मेडिकल कॉलेजों को बंद करना पड़े, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद बीमारी का पता लगाएगा और खुद ही आपका इलाज भी करेगा। ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, अभी रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, अभी भी इंसानों की जरूरत है क्योंकि मशीनों को अपग्रेड करना होगा। लेकिन 25 सालों के अंदर, यहां तक कि आज भी अमेरिका में मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं। मैंने एक डॉक्टर को देखा जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वो एक पुराना ब्लैकबेरी लेकर घूमते हैं, ब्लैकबेरी का जो पहला मॉडल आया था, जो इतना मोटा और बड़ी क्षमता वाला है। जब भी उनके पास कोई मरीज आता है वो बस अपने ब्लैकबेरी में देखने लगते हैं। मैंने कहा, आप फोन देखकर लोगों का इलाज कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं सदगुरु, मेरी सभी मेडिकल की किताबें यहां हैं, इस फोन में हैं, मैं बस उन्हें पढ़कर मरीजों से बात कर रहा हूं। तो अगर आप फोन में देख सकते हैं तो अब फोन खुद भी इतना स्मार्ट बन सकता है कि वो खुद ही बता देगा। अगर आप बस एलेक्सा को लक्षण बता दें तो वो आपको बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरह के लक्षणों को देखकर इलाज करना कुछ समय बाद शायद इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप केवल जानकारी इकट्ठे करके उसे प्रोसेस करके जवाब दे रहे हैं। ये काम मशीनें किसी भी इंसान से बेहतर कर लेंगी, क्योंकि इस प्रक्रिया को मशीनें बहुत तेजी से और बहुत बेहतर कर सकती हैं बिना कोई भी चीज छोड़े। तो समय आ गया है कि जो युवा डॉक्टर अभी तैयार हो रहे हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप लक्षणों से परे कैसे देख सकते हैं। आयुर्वेद और सिद्ध में यही बात महत्वपूर्ण है। एक योगी थे जिनके साथ मैंने कुछ समय तक सेवा दी थी, उनके मेडिकल कैंप्स में जो वो आयोजित करते थे, वो एक त्यौहार जैसा होता था। उनके पास जो भी मरीज आता था उसे सुनाने के लिए उनके पास एक चुटकुला होता था और ये एक त्यौहार की तरह चलता था। वो बस यूं ही कुछ दे देते और लोग ठीक हो जाते। हर दिन हजारों लोग उनसे मिलने के लिए लाइन में खड़े होते थे और वो खुद 106 साल की उम्र तक जिए।
अगर कोई व्यक्ति 106 साल की उम्र तक जीता है, बूढ़ा होकर नहीं, अपने जीवन के आखिरी दिन तक पूरी तरह से सक्रिय रहते हुए, तो उसे सेहत के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा, है ना? मेरी परदादी 113 साल की उम्र तक जीवित रहीं, 113 साल की उम्र तक। मैं आपको बताता हूं, शायद आपको बेतुका लगे, लेकिन आपको इसे सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप में खुलापन नहीं होगा तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। जब मैंने उन्हें देखा था, वो 100 पार कर चुकी थीं, पर तब भी वो बहुत सक्रिय थीं। वो एक खुले मैदान में अकेले रह रही थीं। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया था, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। उन्होंने एक मंदिर बनाया और खुद उसमें बैठ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक मंदिर की हकदार हैं। ये भारत में बहुत आम है, खास तौर पर महिलाओं ने, बुजुर्ग महिलाओं ने छोटे मंदिर बनाए और वहां बैठकर एक अलग तरीके से, अपने ही तरीके से मानवता की सेवा की। तो जब अब मां छुट्टियों के लिए जाते तो वो घर आ जाती। अगर आप उन्हें नाश्ता देते तो वो उसे लेकर चींटियों को दे देती, फिर गिलहरियों को, फिर चिड़ियों को, हर किसी को। ज्यादातर नाश्ता इसी तरह खत्म हो जाता। कुछ लोग खुद ही सलाहकार बन जाते और कहते, बूढ़ी माँ आप कुछ खाएंगे नहीं तो मर जाएंगी। वो सब मर गए। और वो बस वहां बैठी रहती हैं, इन चिड़ियों और चींटियों को खाते हुए देखती रहती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। अगर कोई पूछता कि आपने नहीं खाया, तो वो कहती हैं, मेरा पेट भर गया। I thought she was very emotional about the ants because I was just 4 or 5 years of age. I was going stamping the ants, chut chut chut. मैंने सोचा कि वो चींटियों को लेकर बहुत भावुक हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 4-5 साल का था। मैं चींटियों को कुचलता रहता था। सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ऐसा मत करो। वो जानती थी कि वो कर रही हैं जो उन्हें चींटियों के लिए करना चाहिए, चींटियाँ वो कर रही हैं जो उन्हें अपने जीवन के लिए करना चाहिए, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे एक बच्चे के रूप में करना चाहिए। जब मैंने कभी कभी उन्हें इस तरह देखा और मैंने पूछा कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, तो वो बस जोर से हंसती और कहती, किसी दिन तुम भी जान जाओगे। मुझे ये जानने में 25 साल से ज्यादा का समय लगा कि आपके जीवन का संपूर्ण पोषण सिर्फ आपके भोजन और आपके द्वारा की जाने वाली चीजों से ही नहीं होता। जीवन आपके दिमाग में चल रहे विचारों से बड़ी घटना है, कहीं ज्यादा बड़ी घटना। आपके पैदा होने से पहले भी ये ब्रह्मांड था, सब कुछ काम कर रहा था। आपके और मेरे जाने के बाद भी ये ठीक ही रहेगा, है ना? आपसे परे भी एक बुद्धि है, तुरंत उसे कोई नाम न दे दें, भगवान ये वो, क्योंकि आप ऐसी चीजों के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। अगर आप यहाँ जीते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप यहाँ जीते हैं साफ तौर पर यह जानते हुए कि आप किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आपकी बुद्धि सतर्क रहेगी हर चीज के प्रति। पर आप निष्कर्ष निकालते हैं किताब पढ़कर, ये और वो बकवास सुनकर। आप कहते हैं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं वो जानता हूं। जैसे ही आप अपने ज्ञान से अपनी पहचान जोड़ते हैं, आप बहुत छोटे बन जाएंगे, क्योंकि आप चाहे जितना भी जानते हो, आप जो जानते हैं वो फिर भी इस सृष्टि में बस एक छोटा सा कण है, है ना? पर हमारी अज्ञानता असीम है, इसे अज्ञानता की बुद्धि कहा जाता है। अगर आप हमेशा ये जानते हैं कि आप नहीं जानते, तो आपकी बुद्धि हमेशा बिल्कुल सतर्क रहेगी। चाहे आपका शरीर जाग रहा हो या सो रहा हो, वो बिल्कुल सतर्क रहेगी। एक डॉक्टर को यही करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें कहने का मुझे खेद है, शायद आपको दवाएं पता हों, शायद आपने दुनिया की सारी किताबें पढ़ी हों, शायद आपने कई मरीजों का इलाज किया हो, पर फिर भी Everything seems to be perfect. Somebody will die in your hands. सब कुछ सही लग रहा होगा और कोई व्यक्ति आपके हाथों में मर जाएगा। हर चीज से लगेगा कि वो मरने वाला है, वो कल सुबह उठकर बैठ जाएगा। आप ऐसा होते हुए देखेंगे, हाँ या ना? आपके और मेरे परे भी एक बुद्धि है, एक ऐसी बुद्धि जो हमारा निर्माण करती है, एक ऐसी बुद्धि जो एक आम को इंसान बना सकती है। अगर आप उसे अपने भीतर काम करने की अनुमति नहीं देते, अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में सब कुछ है, तो आप एक मूर्ख डॉक्टर बन जाएंगे। आपको अपने भीतर की गहरी बुद्धि को काम करने की अनुमति देनी चाहिए।